और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। दिल्ली में वायु और जल प्रदूषण बड़ी समस्या है, ऐसा कहा गया। गंगा और यमुना की सफाई का काम जारी रहेगा। गडकरी यमुना को नमामि गंगे प्रोजेक्ट से जोड़ेंगे, ऐसा उन्होंने बोला। 2070 तक सभी को साफ पानी मिलेगा। गडकरी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से ट्रैफिक कम करने को अपनी उपलब्धि गिना रहे थे। दिल्ली को 50 साल तक साफ पानी, एक बार फिर से बता रही हूँ, जो कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। और यमुना को प्रदूषण मुक्त करने का वादा है, और उसके अलावा दिल्ली को वायु प्रदूषण से मुक्त करने का ऐलान है। दिल्ली में कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जाएंगे। दिल्ली को भ्रष्टाचार और पारदर्शी सरकार देने का वादा है। कानूनी तरीके से सीलिंग की समस्या सुलझाने का वादा है। ये बीजेपी का आज का अपना घोषणा पत्र है। गरीबों को 2 रुपए किलो आटा देंगे। दिल्ली में 200 नए स्कूल और 10 नए कॉलेज बनाए जाएंगे। आयुष्मान भारत और किसान सम्मान निधि योजना का लागू करवाएंगे। बेटी के जन्म पर अकाउंट खोलने और 2 लाख देने का भी वादा है। पहली बार 1970 का प्रोजेक्ट था, दिल्ली के लिए पानी के भविष्य की सबसे महत्वपूर्ण योजना थी। इसको मंजूरी देकर अब उसके काम को 90% भारत सरकार और 10% हिमाचल प्रदेश, इस सूत्र में उस कार्य का शुभारंभ हुआ है। और ये योजना करने का काम भी, दिल्ली के लिए पीने के पानी की समस्या 2070 तक सुलझाने का काम हमारे भारत सरकार ने किया, और इसकी कीमत जो है ये करीब 6,000 करोड़ है। तो 6,000 करोड़, ये जो दिल्ली के लिए पानी की जो समस्या थी, उसके लिए भारत सरकार की ओर से 90% हम खर्चा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी सरकार देंगे, सीधा सा मतलब है कि मोदी सरकार की यही पहचान है। अभी की सरकार जो है, पीछे 5 साल से, उसमें आधे मंत्री और विधायक या तो बेल पर हैं, या तो उनके ऊपर आरोप सिद्ध हो चुका है, और हम इस प्रतिमा को बदलेंगे। हमारा दूसरा संकल्प है नई अधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड, जो 40 लाख से ज़्यादा लोगों के अनाधिकृत घर को नई अधिकृत कॉलोनी के रूप में जाना जाने लगा है, अब हम उनके विकास के लिए कॉलोनी डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, और इस विकास को हम सबसे बड़ी प्राथमिकता देने वाले हैं।